मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक विजयादशमी पर शस्त्र पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पारंपरिक वस्त्र धोती कुर्ता धारण कर वैदिक विधि विधान से शक्ति स्वरूपा मां काली की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री निवास पर शक्ति साहस और विजय के प्रतीक के रूप में शस्त्रों का पूजन किया गया। मुख्यमंत्री सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारियों सहित सभी स्टाफ शस्त्र पूजन का हिस्सा बने। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि विजयादशमी पर शस्त्र पूजन का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है जो हिंदू सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है और अधर्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना बधाई। युगो युगो से दशहरे का पर्व हम सबको हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ता है और सच में आज शस्त्र पूजन करके दशहरा पूरा देश का सनातन धर्मी पूरा समाज मनाता है। कई कई कारणों से आज का महत्व है। आज खास करके हमारी स्वर्गीय राजमाता विजय राजा सिंधिया जी का भी जन्मोत्सव है। मैं उनको भी नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ। जनसंघ के ज़माने से लेकर के आज तक राजमाता जी पूरे भाजपा के लिए एक विशेष स्थान रखती है। मातृ स्वरूप उनका स्वभाव, कोई पद की लालसा नहीं और अपने तन मन धन से पार्टी को खड़ा करने के लिए जो उनने अपना योगदान दिया वो सदैव भाजपा और भाजपा वालों के मन में विशेष आदर का स्थान रखता है। ऐसी पुण्य श्लोक अहिल्या माता को भी स्मरण करना चाहूँगा जिनकी 300वीं जयंती चल रही है। आज इसी अवसर पर हमने पूरे प्रदेश में दशहरा उत्सव उनके नाम पर मनाने का निर्णय किया है। जिनके शासन के सभी सूत्र जनता की सेवा के साथ साथ सशस्त्र बल में भी उनकी अपनी सीमा उल्लंघन के मसले का उनका उदाहरण है कि उनके राज्य पे कभी आक्रमण नहीं हुआ और सदैव उनने अपने राज्य के साथ साथ पूरे अखंड भारत की कल्पना करते हुए सभी प्रकार के सुशासन के सूत्र हाथ में लेकर के शासन चलाया। ऐसे पुण्य अहिल्या माता के लिए भी आज हमने दशहरा उनको समर्पित किया है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को देशवासियों को बधाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।